गुड मॉर्निंग, ऑडिबल है मेरी वॉइस? क्लियर? ओके, मैं स्लाइड शेयर करूंगी। अपने माइक्स म्यूट करिए सभी स्टूडेंट्स। मैं जब आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तब उसे अनम्यूट करिएगा। सभी को नेम पता है मेरा? सो हम स्टार्ट करें हमारा लेक्चर। मैं आपको डेटा एनालिटिक्स पढ़ाऊंगी। आई एम आयुषी आचार्य। सो बेसिकली आज जो हमारा लेक्चर है, इट्स जस्ट ओवरव्यू ऑफ डेटा एनालिटिक्स, और अब हम इसे शुरू कर रहे हैं। जो आपको बोर्ड पे पढ़ाया उसी का ये पीपीटी है। ओके, सो सबसे पहले आप अगर नोट डाउन करना चाहते हो या कुछ भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जो आपका सिलेबस है उसका कोड 503A है, फर्स्ट इलेक्टिव है, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव है, और ये इसका फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे और आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस करना भी बताया जाएगा, जो फर्स्ट यूनिट है। इसके बाद जो सेकेंड यूनिट है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है अबाउट बिग डेटा, और डिटेल में है बिग डेटा। आपको बिल्कुल ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, डिटेल में जाना है बिग डेटा में। इसके बाद जो हाँ बोलिए। या शेयर किया है ना मैंने बेटा अभी? ओके, मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगी, और मेरा पर्सनली व्हाट्सएप कर देना तो मैं आपको रेफर कर दूंगी, ठीक है? और अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पीपीटी इसके, ठीक है? जो थर्ड यूनिट है डेट इज़ प्रोसेसिंग ऑफ बिग डेटा। तो हमने जैसे सेकेंड यूनिट में पढ़ा बिग डेटा को, इसके बाद जो थर्ड यूनिट है इसमें हम प्रोसेसिंग देखेंगे बिग डेटा की। इसके बाद जो फोर्थ यूनिट है डेट इज़ हडूप, ये भी बहुत डिटेल में है, इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में जो यूनिट है आपकी फिफ्थ यूनिट, डेट इज़ बिग डेटा टूल्स एंड टेक्निक्स। तो यहाँ पर आपको पूरे टूल्स और टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा। तो बेसिकली फाइव यूनिट अगर आपने अच्छे से कर ली तो आप कैपेबल होंगे डेटा एनालिस्ट बनने के। तो इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करिएगा। और सेकेंड चीज़ ये, इसका पेपर टफ आता है तो उसको शुरू से पढ़ना पड़ेगा, आप मन से इसमें नहीं लिख पाओगे, ठीक है? तो इससे शुरू से पढ़ते चलिए। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है डेट इज़ व्हाट इज़ डेटा एनालिटिक्स। तो अब हम बाय डेफिनेशन देख रहे हैं क्या होता है डेटा एनालिटिक्स। सो बेसिकली डेटा एनालिटिक्स इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट्स इन ऑर्डर टू फाइंड ट्रेंड्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन। यही मैंने अभी बताया था कि जो डेटा एनालिटिक्स है इसकी मदद से ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप डेटा सेट को एग्जामिन करते हो, फाइंड करते हो लेटेस्ट ट्रेंड को, और अकॉर्डिंग टू डैट आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है। जो डेटा एनालिटिक्स है वो टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी है जो वाइडली यूज होती है कमर्शियल इंडस्ट्री में, जिसकी मदद से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर बिजनेस डिसीजन ले पाती है। बिजनेस डिसीजन ही इसलिए लिए जाते हैं ताकि बिजनेस को ग्रो कर सकें, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बिजनेस के लिए कि प्रॉपरली एनालिसिस हो। अगर एनालिसिस नहीं होगा तो जो बिजनेस है वो डूब भी सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। डेटा एनालिटिक्स की वजह से ये इनिशिएटिव मिला है बिजनेस को ताकि वो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके, अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज कर सके, मार्केटिंग कैंपेन को, और कस्टमर सर्विस एफर्ट्स को बढ़ा सके। कस्टमर सर्विस एफर्ट्स को बढ़ा सके इसे मतलब, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आप लोगों को वेबसाइट का, कि आपने वेबसाइट पे कोई भी चीज़ों को एनालिसिस किया या आपने कुछ फीडबैक लिया या परचेस किया, तो उसका नंबर ऑफ परसेंटेज, आप किस प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या कौन से प्रोडक्ट को आप व्यू भी नहीं कर रहे हैं, ये सारा कुछ हिडन इंसाइट्स में आ जाता है। तो ये डेटा एनालिस्ट के लिए बेनिफिशियल रहता है फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आ रही है उसको वो मार्केट में ज़्यादा उतारेगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आया है डीए, जिसकी मदद से बिजनेस का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है।
इसके बाद आपको गोल पता होना चाहिए, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑनबोर्ड आपको समझाया। डेटा एनालिटिक्स का गोल ही यही है कि जो बिजनेस है उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट किया जा सके, और जो डेटा एनालाइज किया जाता है, ये डेटा हर टाइप का रहता है। हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन अभी तक बिजनेस कर रही है उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो, या कोई नई इंफॉर्मेशन हो जो प्रोसेस्ड की गई हो रियल टाइम एनालिटिक्स में। इसके बाद आपको पता होना चाहिए, इफ़ यू वांट टू बी डेटा एनालिस्ट, तो जो एक डेटा एनालिस्ट रहता है उसको एनालिसिस किस बेसिस पे करना पड़ता है और उसके क्या क्या रोल्स होते हैं। तो सबसे पहला जो उसका रोल होता है, दैट इज़ गैदर हिडन इंसाइट्स, सेकंड जनरेट रिपोर्ट्स, थर्ड परफॉर्म मार्केट एनालिसिस, फोर्थ इम्प्रूव बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, डेट इज़ गैदर इन हिडन इंसाइट्स, इसमें जो भी हिडन डेटा होगा, हिडन इंसाइट्स होगी, उस डेटा को गैदर करेगा एनालिस्ट और उसके बेसिस पे रिजल्ट को फॉर द इम्प्रूवमेंट और रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस उसको रिपोर्ट में कन्वर्ट करेगा। जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें जनरेट होगी रिपोर्ट, तो रिपोर्ट जो जनरेट होगी विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस डेटा और अदर डेटा, उस डेटा को पास किया जाएगा रिस्पेक्टिव टीम को या फिर इंडिविजुअल को जो इस चीज़ को डील कर रहा है फॉर द राइज ऑफ बिजनेस। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि जो रिपोर्ट जनरेट का काम होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डेटा एनालिस्ट की पोस्ट होती है जो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेटा एनालिसिस करती है, लेकिन कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक EY जो डेटा एनालिसिस का ही काम करती है। तो वो उनके पास जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए उनको मिलते हैं, वैसे ही जो स्पेसिफिकली डेटा एनालिसिस की कंपनी होती है उन्हें डेटा एनालिसिस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। तो ये काम जो भी रिस्पेक्टिव होगा उनको भेज किया जाएगा। इसके बाद जो थर्ड काम रहता है वो परफॉर्म करना होता है मार्केट एनालिसिस। तो मार्केट एनालिसिस में मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था कॉलेज का, समझने में बहुत आसान है। जैसी स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट वैसा आपको जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है वो सर्व करके देगा, और उसके लिए हर साल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नहीं करते हैं उनका वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हैं और उनके एडमिशन्स भी कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है डेटा एनालिस्ट का। इसके बाद इम्प्रूव बिजनेस रिक्वायरमेंट, एनालिसिस हो जाता है, जनरेट रिपोर्ट हो गए, मार्केट एनालिसिस हो गया। इसके बाद एनालिस्ट अलाउ करता है उस डेटा को यूज़ करने के लिए बिजनेस को, या फिर जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या उसका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चेंज या फिर उसे ही आगे बढ़ाने को। इसके बाद अब हम समझते हैं व्हाट इज़ डेटा एनालिटिक्स फॉर बिगनर। सो बेसिकली डेटा एनालिटिक्स एक टेक्निक। ओके बोलो, कौन सा वाला पॉइंट? थर्ड पॉइंट, परफॉर्म मार्केट एनालिसिस। कॉलेज का एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो अपन कंपनी के एग्जाम्पल से समझते हैं। दो कंपनी है, कॉम्पिटिटर कंपनी है, इन्फोसिस एंड TCS कॉम्पिटिटर्स हैं बहुत। वो किस बेसिस पे उनका प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा उन्हें मिल रहे हैं, या उनके प्रोजेक्ट्स उनको किस बेसिस पे मिल रहे हैं, वो किस तरह से काम कर रही है, इस चीज़ का एनालिसिस करना। जब एक दूसरे के बारे में ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलेंगी तभी आप अपने जो आपका बिजनेस है उसे आप ग्रोथ कर सकते हो। ये एक एग्जाम्पल है, इसके लिए डेटा ऑलरेडी आता है। जो कंपनी में आप ऐसे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं उसका प्लस डेटा आता है। जैसा मैंने आपको अभी बोला था कि प्रॉपर काम करने वाली टीम भी रहती है कंपनी में, या फिर ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी एक कंपनी रहती है जो डेटा एनालिसिस का काम करती है। तो ये एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये अपन जो फर्स्ट यूनिट है ना, डेट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसमें हम वही सीखेंगे कि किस तरह से आपके पास रॉ डेटा आता है और फिर आप उस पे टूल्स का यूज़ करके या कोई और मेथडोलॉजी यूज़ करके उसको कन्वर्ट करके कंक्लूजन को ड्रॉ करते हो। यही है हमारी फर्स्ट यूनिट। अब हमारा डेटा एनालिटिक्स की डेफिनेशन मैंने बता दी थी कि ये बेसिकली टेक्निक है। इसके बाद जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वेरियस सोर्सेज से, क्लीन्ड होता है, कैटेगराइज किया जाता है एनालिसिस फ्रॉम वेरियस बिहेवियर पैटर्न। ये इसमें टेक्निक्स यूज़ होती है, टूल्स यूज़ होती है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। अगर वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही डेटा एनालिसिस का काम करती है
ऑर्गेनाइजेशन होगी, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंडिविजुअल टीम है, सिंगल पर्सन डेटा एनालिसिस का काम नहीं करता है, टीम होती है, एटलीस्ट 3 to 4 लोगों की टीम होती है, इससे कम में डेटा एनालिसिस नहीं हो पाता। सो शॉर्ट में अगर हम समझे तो जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास कैपेबिलिटी रहती है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करने की, जिससे वो इन्फॉर्मेशन को, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता है, और इसी से ये सारी स्किल्स जिस भी पर्सन में बिल्ट हो जाती है वो एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बन सकता है। इसके बाद अभी हमने टूल्स टेक्नोलॉजी बहुत सुना कि टूल्स टूल्स टूल्स, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिक टूल्स है वो डेटा एनालिटिक्स के कौन कौन से हैं। तो जैसे जैसे मार्केट में डेटा एनालिटिक्स की कंडीशन बढ़ती गई, और ये डी ए एक बूमिंग टेक्नोलॉजी है, आप लोगों ने आईओटी सुना है, है ना, जैसे IoT, AI, मशीन लर्निंग जैसे बहुत बूम पर आ गए हैं, वैसे ही DA भी है। अगर आपने इस पर काम सीख लिया तो आपको एक अच्छी जॉब मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो बेसिकली इसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है डेटा एनालिटिक्स की, मार्केट में बहुत सारे टूल्स उभर कर आए हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। विद द हेल्प ऑफ डेट आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, और ये टूल्स ओपन सोर्स यूज़र फ्रेंडली है, और इनका काम है डेटा एनालिसिस करना मार्केट का। तो जो कुछ डेटा एनालिटिक्स के टूल्स मैंने यहाँ PPT में लिए हैं, में फर्स्ट है आर प्रोग्रामिंग, ये टूल्स यूज होता है डेटा एनालिटिक्स के लिए, जिसमें स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा मॉडलिंग रहती है। आर कंपाइल और रन हो सकता है वेरियस प्लेटफॉर्म सच एस यूनिक्स, विंडोज, MacOS। ये प्रोवाइड करता है टूल्स, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है ऑल पैकेजेस को अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। जो सेकेंड टूल यूज़ होता है डेटा एनालिसिस के लिए, डेट इज़ पाइथन। पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो इजी टू रीड राइट एंड मेंटेन है, जो बहुत सारी मशीन लर्निंग और विजुलाइजेशन लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है। इसमें क्लीनिंग वाला ऑप्शन भी रहता है, विजुलाइजेशन ऑफ डेटा भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ते जाएंगे, तो आपको जो टर्मोलॉजी यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है वो लेक्चर में समझ में आ जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है डेट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये जो टूल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है जो यूज़ होता है डेटा एनालिटिक्स के लिए, मोस्टली यूज़ करते हैं क्लाइंट्स इंटरनल डेटा के लिए। ये टूल एनालाइज करता है टास्क, सारे टास्क को, और समराइज करता है डेटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जो नेक्स्ट जो टूल है डेट इज़ रैपिड माइनर। ये एक पावरफुल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेट करता है किसी भी टाइप के डेटा सोर्सेज को, सच एज एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, टेरा डेटा, ओरेकल, साइबस एक्सेट्रा। और ये जो टूल है रैपिड माइनर जो टूल है ये मोस्टली यूज़ होता है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में, जस्ट लाइक सॉरी नॉट जस्ट लाइक सच एज डेटा माइनिंग, टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग। इसके बाद अब हमारा लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है, तो आप बताइए आंसर में कि व्हाट इज़ डेटा एनालिस्ट, मतलब एनालिटिक्स से आप आज का लेक्चर हमारा क्या समझे, क्या होता है डेटा एनालिटिक्स। ओके, हमने टूल्स कौन कौन से इसमें पढ़े हैं डेटा एनालिटिक्स में, ओके, और डेटा एनालिस्ट के रोल्स क्या क्या होना चाहिए। बताओ, एक बार मैं अगेन शेयर कर रही हूँ जो लेक्चर अभी हमने बताया है, अगर आप लोगों को कुछ नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है क्या। हाँ मैं कर दूंगी, नो इश्यू इन डैट, वेलकम।
इस सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, और स्किप नहीं करना है क्योंकि टफ है सब्जेक्ट। और जैसा मुझे चीज़ें पता चली, आप लोग वो साइबर का भी बोल रहे हैं लेने के लिए, तो साइबर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। अगर आप टफ सोच के एक ईजी ऑप्शन पे जाएंगे तो मेरे अकॉर्डिंग एज अ फैकल्टी ये गलती होगी आपकी, बाकी डिसीजंस आप लोगों के हैं। ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। ये कैसे बोलिए। ओके, मुझे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप कर देना आप जो टेप का आप बोल रहे हो। हाँ, मैं पाइथन के, मेरा ऐसे कुछ है, हाँ लिख सकते हो। मेरा ऐसे पर्टिकुलर कोई डोमेन नहीं है एक्चुअली। आई एम 6 ईयर एक्सपीरियंस एंड 2 ईयर इंडस्ट्रियल, तो मैंने लगभग सारी लैंग्वेजेस पे काम किया है, तो आपको अगर लगता है तो आप कर सकते हो, मैं आपको गाइड तो कर ही। हाँ लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और कोई क्वेश्चंस है या फिर मैं एंड करूँ मीटिंग को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग क्लास। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछ।